देखा बताओ आपका एक अच्छा कैरियर
करियर हो जाएगा, आपकी एक अच्छी जगह शादी हो जाएगी, आपके बाल बच्चे होंगे, तो आपके सारे फेजेज में आपको सब कुछ मिलेंगे। लेकिन जो इन चीज़ों को समय से पहले करने का प्रयास करता है वो कहीं ना कहीं पद से भटक जाता है। और आने वाले जो आपके समय है, जो 5 साल 6 साल कैरियर बिल्डअप करने के, उसमें यदि नहीं हुआ तो फिर हम लोगों के पास ये नहीं होता। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा योगदान आपके में भी है। तो इस कार्यक्रम के अंत में हम लोग यह प्रण लें कि हम लोग एड्स को लेट अस एंड इट, हम लोग इसको समाप्त करेंगे, हम लोग एंड आइसोलेशन, हम लोग एड्स के मरीज से भागेंगे नहीं, उनको अलग थलग नहीं कर देंगे। तो एंड आइसोलेशन, एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा जितने भी हैं इसके बारे में जो भी भ्रांतियां हैं उसको हम लोग एंड करेंगे, हम लोग HIV ट्रांसमिशन को एंड करेंगे। और इसके लिए हम लोग सभी लोग जिनका भी है, हम चिकित्सक हैं, जो स्काउट्स में हैं, जो NCC में हैं, टीचर्स हैं, सब लोग इसके बारे में हम लोग कॉम्पेन करेंगे, समाज को एजुकेट करने का प्रयास करेंगे और इसका इस एड्स जैसे भयानक बीमारी पर नियंत्रण करेंगे। आप लोग जितने भी लोग आए सब लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। एड्स के ये पे 1 दिसंबर को हर साल मनाते आ रहे हैं, ये WHO द्वारा घोषित किया गया है। एड्स के बारे में बहुत सारी बातें डॉक्टर मिश्रा साहब ने बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही संक्षेप में भी उन्होंने सारी चीज़ें एड्स के बारे में हम लोगों को बताई। और मुझे उम्मीद है कि हमारे NCC और भारत स्काउट गाइड के बच्चे भी इससे लाभान्वित हुए होंगे। क्वेश्चन आंसर भी कभी उन्होंने टाइम दिया था, मगर लगता है कि बच्चों के समझ में सारी बातें आ गई, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं हुआ, आनी भी चाहिए, सब यंग बच्चे हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के बच्चे। मिश्रा साहब ने गोया आज ऐसा मैं महसूस कर रहा था कि मेडिकल कॉलेज में बैठ करके एक प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहा हूँ। इसी तरीके से मैं आशा रखता हूँ कि डिफरेंट ओकेजन पे मेडिकल साइंस का जो भी हो डॉक्टर मिश्रा साहब इस तरीके का लेक्चर दे रहे। प्रिंसिपल साहब ने भी अपना अनुभव यहाँ पे बताया और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बच्चों को भी समझाने की कोशिश किया और हम लोगों को भी प्रेरित किया। एड्स जो एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बस हम लोग किताबी कीड़ा या जो भी कहिए, हम लोगों ने एड्स के बारे में बताया, अब बच्चों के कांधों पर ये चीज़ है कि अपने स्कूल के अंदर, अपने कॉलोनीज के अंदर, अपने सोसाइटीज़ के अंदर इस चीज़ को लोगों को इसके लिए कॉन्शियस करें कि इतनी भयंकर बीमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, अपने दोस्तों के बीच, अपने कॉलोनीज के अंदर और तमाम जगहों पर इस भयंकर बीमारी से बचें। इसमें कोई डराने के लिए या डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसका हम प्रिवेंशन, इससे हम दूरी बना लें तो इससे हम समझते हैं इस चैलेंज का बहुत ही आसानी से हम मुकाबला कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब ने भी बहुत अच्छी बातें कही।